सबको जय सु। मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, आइए हम मिलकर इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करें। हबक्कूक नबी अध्याय 3 पद संख्या 17 और 18, वहां पर नबी कहते हैं, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाख बारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे। तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उद्धारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। यह है एक विश्वासी की सच्ची पहचान, यह है एक मसीही की सच्ची पहचान। जब कुछ भी नहीं है जीवन में, सब तरफ निराशा ही निराशा है, कुछ दिखाई नहीं देता है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा लगता है, तब भी एक विश्वासी प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है, प्रभु के गीत गाता है, प्रभु की स्तुति करता है, कुड़कुड़ाता नहीं है उस समय। आज हम देखते हैं अनेक मसीहियों में, अनेक विश्वासियों में ये आनंद गायब है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की कमी है अंदर। जब पवित्र आत्मा हमें भरपूरी से होगा, चाहे तंगी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे कंगाली हो, चाहे कपड़े हैं या नहीं है, चाहे खेतों में फसल होती है नहीं होती है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे निसंतानहीनता है, चाहे घर में कर्ज है, आर्थिक तंगी है, एक विश्वासी के अंदर यदि पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वो आनंद है, वो विश्वासी आनंदित रहता है, निराशा में नहीं जाता, प्रभु की स्तुति करता है। अक्सर हम कब स्तुति करते हैं प्रभु की? जब हमें कोई आशीष मिलती है। जब बच्चा पैदा हो गया, प्रभु ने बच्चा दे दिया, स्तुति करेंगे। जब प्रभु ने एक नौकरी दे दी, सबको बताएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। जब बीमारी से प्रभु ने ठीक कर दिया, उस समय प्रभु की स्तुति करेंगे। जब आर्थिक तंगी दूर हो गई, प्रभु की स्तुति करेंगे। लेकिन एक सच्चा मसीही वही है जो इन सब के बीच रहते हुए भी प्रभु की स्तुति करे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपने बहुत बार सुना है। संत पौलुस और सीलास को जब बंदीगृह में मारकर फेंका गया था, कोड़े लगाए गए थे, उनके शरीर पर घाव थे, उन्हें बेड़ियों से बांधा गया था, मुजरिमों की तरह उनके साथ व्यवहार किया जा रहा था, कैदी बना के बंदीगृह में रखा हुआ था, न जाने कितने अत्याचार उन पर हुए। इस समय वे भी वे आधी रात को उठकर परमेश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे। यह है एक मसीह की असली पहचान। समस्याओं में रहते हुए भी जब आप प्रभु की स्तुति करते हैं, तो समझ लीजिए आपके अंदर परमेश्वर का आनंद है। आप बीमार हैं, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, उस समय भी आपके अंदर आनंद होगा। आप उदास नहीं होंगे, आप निराश नहीं होंगे, किसी भी रिपोर्ट से आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक मसीह को बाहरी बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक विश्वासी को बाहरी जो चीजें हैं, बाहरी जो कुछ भी हो रहा है, वो प्रभावित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का आनंद उसमें है। और जब पवित्र आत्मा का आनंद होता है, वहां पर पवित्र आत्मा के आनंद के द्वारा जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके मित्रगण हैं, आप उन्हें भी आनंद पहुंचाते हैं। जब मां मरिया एलिजाबेथ के पास गई, तो आनंद से भरी हुई थी। और जैसे ही उसने एलिजाबेथ का अभिवादन किया, बच्चा एलिजाबेथ के गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और आप पढ़ेंगे नहेमिया के ग्रंथ में अध्याय 8 वाक्य 10 में, वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। तो प्रभु के आनंद में हमारा बल है, पवित्र आत्मा के आनंद में हमारा बल है। इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें उस आनंद से भर दे, ताकि हम आनंदित रहें, खुश रहें, बाहरी बातें हमें प्रभावित ना करें। आइए हम इस समय पवित्र आत्मा का आनंद अपने अंदर मांगते हुए हमें गीत गाएंगे, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। बड़ी खुशी के साथ, बड़े आनंदित होते हुए, तालियां बजाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, दाऊद के समान प्रभु की स्तुति इस समय करेंगे और हमारे साथ मिलकर गाएं। आनंद मनाओ यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। गाए आनंद मनाओ यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। हाँ आनंद
आनंद मनाओ यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। गाए आनंद मनाओ यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ आनंद मनाओ ईश भजन तुम गाओ लोगो आनंद मनाओ। आनंद मनाओ आनंद मनाओ ईश भजन तुम गाओ लोगो आनंद मनाओ। आनंद मनाओ आनंद मनाओ यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ आनंद मनाओ यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। यीशु सबका स्वामी है तुम आनंद मनाओ। यीशु सबका स्वामी है तुम आनंद मनाओ। हो यीशु सबका स्वामी है तुम आनंद मनाओ तो गाओ। यीशु सबका स्वामी है तुम आनंद मनाओ। इस दुनिया का मालिक है वो आनंद मनाओ। इस दुनिया का मालिक है वो आनंद मनाओ। आनंद मनाओ यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। सब लोग मिलके आनंद मनाओ यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। हाँ सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। क्रूस पे सारा दाम चुकाता आनंद मनाओ। क्रूस पे सारा दाम चुकाता आनंद मनाओ। आनंद मनाओ यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। तो गाओ आनंद मनाओ आनंद मनाओ यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। और एक बार मिलकर गाएंगे आनंद मनाओ यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। सब बीमारी दूर भगाता आनंद मनाओ। सब बीमारी दूर भगाता आनंद मनाओ। हाँ सब बीमारी दूर भगाता आनंद मनाओ। सब बीमारी दूर भगाता आनंद मनाओ। दिल के दर्द पे मरम लगाता आनंद मनाओ। दिल के दर्द पे मरम लगाता आनंद मनाओ। एक साथ मिलके आनंद मनाओ यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ आनंद मनाओ ईश भजन तुम गाओ लोगो आनंद मनाओ। आनंद मनाओ आनंद मनाओ ईश भजन तुम गाओ लोगो आनंद मनाओ। यीशु जीवन दाता है तुम आनंद मनाओ। यीशु जीवन दाता है तुम आनंद मनाओ। हाँ यीशु जीवन दाता है तुम आनंद मनाओ। यीशु जीवन दाता है तुम आनंद मनाओ। यीशु मुक्ति दाता है तुम आनंद मनाओ। यीशु मुक्ति दाता है तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ आनंद मनाओ यीशु जी के चरणों में तुम आनंद। बार बार गाते जाएंगे आनंद मनाओ यीशु जी के चरणों में तुम आनंद। बार बार गाइए आनंद मनाओ यीशु जी के चरणों।
चरणों में तुम आनंद मनाओ, तो गाओ आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, आनंद के साथ आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ, बड़े आनंद के साथ आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। मुख खोलिए और प्रभु की स्तुति करना शुरू कीजिए, मुख खोलिए और प्रभु की स्तुति करना शुरू कीजिए। इस समय आपके जीवन में प्रभु यीशु अपने आनंद को भरेंगे, पवित्र आत्मा का आनंद आपके जीवन में आएगा, हर तरह के बंधन आपके जीवन से इस समय टूटेंगे, हर प्रकार की निराशा के बंधन इस समय आपके जीवन से टूटेंगे, हर प्रकार की उदासी के बंधन, नकारात्मक बातों के बंधन, बीमारियों के बंधन, बुरी बातों के बंधन, वासनाओं के बंधन यीशु के पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय आपके जीवन से टूटेंगे और आपके अंदर आनंद आएगा। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को उठा के प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। अपनी आंखें बंद रखें, हाथों को खुला रखें, प्रार्थना करें। प्रभु इस समय आपके आनंद से मुझे भरिए, आपकी शांति से मुझे भरिए। मैं अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित करता हूं, मुझ पर दया कीजिए। मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, नकारात्मक बातें, बंधन है, मैं खुल नहीं पाता हूं, खुल के स्तुति नहीं कर पाता हूं। ऐसी बातों से मुझे आजाद कीजिए। प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर वासना के बंधन है, क्रोध और गुस्से के बंधन है, मैं माफ नहीं कर पाता हूं, खुल के हंस नहीं पाता हूं, खुल के जी नहीं पाता हूं, खुल के गीत नहीं गा पाता हूं। थोड़ी सी परेशानी आने पर मैं निराश होता हूं, आपके आनंद से मुझे भरिए। इन बंधनों को मेरे जीवन से तोड़िए। प्रार्थना करें प्रार्थना करें प्रार्थना करें। इस समय पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आने दीजिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। अपने बच्चों के बीच में कार्य कीजिए पवित्र आत्मा। इस समय जो निराशा के बंधन में, उदासी के बंधन में, इस समय उनके सारे बंधनों से उन्हें आजाद करना पवित्र आत्मा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरे आनंद से हमें भर पवित्र आत्मा। इस समय प्रार्थना करो मेरे भाई, प्रार्थना करो मेरी बहन। अगर आप खुल के जीना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, आपको पवित्र आत्मा का आनंद चाहिए, प्रार्थना करें पवित्र आत्मा आपके आनंद से मुझे भरिए, आपका आनंद मेरे हृदय में इस समय आने दीजिए। बीमारियों से जो निराशा मुझे मिली है, कर्ज से जो निराशा मुझे मिली है, बेरोजगारी से जो निराशा मुझे मिली है, उन सारे बंधनों को मुझसे दूर कीजिए, निराशा को मुझसे दूर कीजिए। प्रार्थना करें लिब्रा साखा रामा शाह, प्रार्थना करें प्रार्थना करें प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद। पाक रूह से भर जाए, आत्मा के फल लाए, पाक रूह से भर जाए, आत्मा के फल लाए, मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे, मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे, मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे, मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे। आत्मा से भरे, आत्मा से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आत्मा से भरिए। अपनी आंखें बंद रखें, प्रार्थना में लीन रहें।
मुझे भर दे मुझे भर दे मुझे भर दे 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 भर दे मुझे भर आत्मा पाक रू मुझे अपने फलों से भर दे आत्मा पाक रू मुझे अपने फलों से भर दे 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 पाक रू मुझे आनंद से तू 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 भर दे मुझे भर दे भर दे मुझे 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 भर दे पाक रू से भर जाए आत्मा के फल लाए पाक रू से भर जाए आत्मा के फल लाए पाक रू से भर जाए आत्मा के फल लाए पाक रू से भर जाए आत्मा के फल लाए पाक रू से भर जाए आत्मा के फल लाए पाक रू से भर जाए आत्मा के फल आत्मा से भर जाए पाक रू से भर जाए आत्मा के फल लाए पाक रू से भर जाए मुझे भर दे एक साल मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे मुझे भर दे भर आनंद से भर दे मुझे भर दे भर दे मुझे 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 भर दे पाक रू मुझे अपने फलों से भर दे पाक रू मुझे अपने फलों से भर दे पाक रू मुझे अपने फलों से भर दे पाक रू मुझे अपने फलों एक साथ बार बार गाएं मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे मुझे भर दे भर दे मुझे पवित्र आत्मा इस समय आपको भर रहा है अपने आनंद से भर रहा है अपने प्रेम से इस समय भर रहा है अपनी शांति से भर रहा है पवित्र आत्मा मुझे भर दे भर दे मुझे आप में से कई लोगों के जीवन से इस समय बंधन को तोड़ रहा है मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे 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 बार बार मुझे भर दे भर दे मुझे भर दे 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 आत्मा से भर जाए आनंद के हम फल लाए पाक रू से भर जाए आनंद के हम फल लाए प्रार्थना करें अपनी आंखें बंद रखें इस समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में इस समय अपने आनंद को भर रहा है अपनी शांति को भर रहा है अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती दाख बारियों में फलियां नहीं है भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा प्रभु मेरा आनंद है प्रार्थना करें इस समय हम प्रार्थना करते हैं जो निराशा में पड़े हुए लोग हैं जो बंधनों में हैं
जो कर्ज में है, जो बेरोजगार है, जो निसंतान है, जो हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं, घरों में पड़े हुए हैं, जिनको कोरोना हो गया है, जिनके परिवारजन उनसे बिछुड़ गए हैं, घर से कोई चला गया है, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, बहुत बड़ा कर्ज है, ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा इस समय छुटकारा प्रदान करे। यीशु मसीह नाजरी के नाम पर ऐसे लोगों को इसी समय छुटकारा मिले। ऐसे लोगों के जीवन में इस समय पवित्र आत्मा काम करे। ऐसे लोगों के जीवन में इस समय बेदारी आए, आशीष आए प्रभु की, आनंद आए। प्रार्थना करें, प्रार्थना करेंगे जो लोग वासना के बंधन में, नशे के बंधन में, लालच के बंधन में, ईर्ष्या के बंधन में, यीशु के नाम पर इसी समय उन्हें छुटकारा मिले और वे आनंद से भर जाएं, शांति से भर जाएं। प्रार्थना करेंगे इस समय जो लोग पाप के बंधन में, पापों में जकड़े रहते हैं, वो इस समय आनंद से भर जाएं, उनके पापों से प्रभु उन्हें छुटकारा दे, वासना के बंधन से प्रभु छुटकारा दे। धन्यवाद पवित्र आत्मा। अपने दोनों हाथों को उठाएंगे ऊपर, पूरा ऊपर उठाइए अपने दोनों हाथों को, और इस समय खुलकर ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करना। जब आप मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, उस समय आपके जीवन में छुटकारा आएगा, चंगाई आएगी, डेलिवरेंस आएगा। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम विश्वास करते हैं प्रभु ने आप सबों को आशीष दी है, और आपने प्रभु की आशीष को और अनुग्रह को महसूस किया है, प्रभु की शांति आपके अंदर आई है। इसी तरह प्रभु के प्रेम और शांति में बने रहें। प्रभु का अनुग्रह आप सबों के साथ हो। जय यीशु मसीह।